ओहो, व्यायाम स्टार्ट हो गए। ओ बाबा रामदेव। अरे ये हो गए भाई, अब रेडी हुई है नहा धो के। पूरी गई थी मैंने, एक लाइन दे दे। एक मम्मी तो देखे आऊंगी, मैं खाऊंगी। अच्छा तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राणा फैमिली व्लॉग। और व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं आज, क्योंकि वो काम लग रही है अभी और उसने स्टार्टिंग करी नहीं क्योंकि बैटरी लो थी तो फोन चार्ज लगा रखा था। तेरे कमेंट आओ भाई, कितने बजे बीजी? बस एक दो मिनट में फ्री हो जाऊंगा। यो बीजी चल रहा है कितने, यो भी जान लग रहा है अपने तैयारी में। तो नहा धो के रेडी हो लिया, मैं भी उठाऊँ। मम्मी भी नहा धो ली, वो सामने काम लग रही है, फ्रिज में सफाई वगैरह कर रही है। चलो मम्मी छोड़ दूंगा। और मम्मी जा रही है सामने के घर, स्वामित ने बुलाया है, मोहित छोड़ के जाएगा जाते जाता। और पापा आप सबको पता ही है गांव में गया हुआ है। मम्मी जाने की तैयारी है भाई, मम्मी चली गई ये, और मैडम पता नहीं क्या कर रही है बाहर। ओहो, व्यायाम स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, एक्सरसाइज आज तो शुरू ना करी है तो 10-15 दिन हो गए। अच्छा 5 मंथ कंप्लीट होया ना, 5 मंथ जो कंप्लीट होया है। हाँ। उससे पहले अच्छा स्टार्ट कर दी थी ना, 5 मंथ के थोड़ी सी धूप मिल जा, थोड़ी सी हो जा। अच्छा जब आप जिम में जा सको तो मैं कराई हो नहीं कर सकती। ठीक है करते रहो। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको पता है आज की स्टार्टिंग की थी सोनजी ने और मैं अपना काम लगी हुई थी। तो अभी फिलहाल मम्मी जा चुकी है स्वामिदी के पास, मोहित गया है किसी काम से बाहर, और ये मेरा फैशन नहीं है, ये पानी भीग जाती है इसकी वजह से मैंने इसे इसको फोल्ड कर रखा है। और सोनू जी भी अपना उठ के फ्रेश व्रेश हो लिए हैं, मैंने खाने की तैयारी कर दी, सारा काम कर दिया। अभी मेरा लास्ट रहता पोछा लगाना, मैं पोछा लगाऊंगी। और एक बात और, मेरे को कमेंट आती है बहुत सारी कि भाई तू बैठ के पोछा लगा कर, बैठ के पोछा लगा कर। तो मैं बैठ के पोछा नहीं लगा सकती क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को मना कर रखा, मेरे को बैठ के पोछा अभी नहीं लगाना। अगर वो लगाना भी है तो 9th मंथ की स्टार्टिंग में या फिर एंड में जाके लगाना होगा, तब तक मेरे को बैठ के नहीं लगाना। मैंने पोछा लगा दिया था और अभी सब्जी जो मैंने सुबह पालक की बनाई थी उसमें तड़का लगाया है, और साथ के साथ मैंने इनके लिए लेमन टी बनाई थी, ये वहाँ बैठे बैठे पी रही है आराम से। और पोछा मेरा लग गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मेरे को लगी हुई थी भूख तो मैं अपनी रोटी भी ले आई, अभी मैं खाऊंगी पहले खाना, उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो गाइस अपना भी यहाँ पे खाना आ गया है। नहाए? हाँ। तो इतना क्यों हो गया भाई रेडी? अरे हम अकेले हैं दोनों घर पे, शकरकंदी उबाल ली, उड़ा लेके चल लेंगे। तो गाइस मैं भी नहा धो के हो गया हूँ भाई रेडी अपने, और ये मैडम की भी तैयारी चल रही है। क्या रह गया अभी? कुछ दो ना, बस ये डाल लिया। 2 बज लिए, इतना लेट करवा दिया इतने सोच कर। एक मंडे लेट क्यों करवा? और 11 बजे मैं नहा दो का आराम से बैठ ली थी। अच्छा आप ना हो करते। मैं क्या ना करता? आप ना नहाए? अच्छा बार गई मैंने। चल जल्दी उठ ले। तो गाइस छत पे आ गए हैं धूप में। अरे ये हो गई भाई, अब रेडी हुई है नहा धो के। धूप लगे तेज है ना, धूप धूप सही में गणी है, तेज आवा है दिल्ली भाई। कुछ वीडियो बना लेते हैं यहाँ पे फिर जाएंगे। तो अभी जा रहे हैं, इसमें ले ली शक्करकंदी ली है क्या? हाँ। आ रहे
तो क्या पूछना तुम्हें मामी जी से? वे पहले बोली कि मैं परमानेंट तुम्हारे पास रुकूंगी, अब वापस ना जाऊं। आज आई भी नहीं हमारे पास, अब तेरे पास भी नहीं आई। आज बताना क्या हुआ, कल भी चली गई थी, लास्ट टाइम पे धोखा दे दिया। पहले तो बोलती रही ना जाऊं ना जाऊं, लास्ट टाइम पे बोल रही थी मैं तो जा रही हूँ। क्या मान गई? छोले भटूरे मांगे। एक प्लेट छोले भटूरे मान गई। अरे गाय जो ये देख लो भाई धूप में, मम्मी स्वामी जी बाहर बैठे थे, धूप इतनी तेज लग रही है। पार पार की शकरकंदी लेके आए थे मोबाइल के, वो खा ली। दीदी अंदर गई हुई है बहन हमारी, उन्हें धूप नहीं लग रही, वो बाहर ही बैठे हैं। और बाहर सोफे दिखाई नहीं आपको, सोफे लगा दिए बाहर, दिख रहे होंगे आपको बाहर के भी सोफे शिफ्टिंग कर दिए बालकनी में धूप में बैठने के लिए। पापा ने उतार दा ना निवाड़ा पंजा पापा टेक लंदे के पापा के तालाब चल रही है यहां पे, पतला पानी टेक के इनको दे दाड़ा में। मां देख ले बालकनी नु वो पड़ जाए मां बालक टेंशन की ले भी पाल लिए ओ कार बला नु देखियो पापा है पड़ा तड़े गाना पानी ने उतड़े नहीं दोगे तू पूरी तेरी ना थी चॉकलेट ही है हैं पूरी तेरी ना थी चॉकलेट मैंने पूरी कर पूरी गई थी मैंने एक लाइन दे दे एक मम्मी तो देखे आऊंगी मैं खाऊंगी अच्छा तुम कौन सा फल कब ले रही है ये खा ली थी मैंने भाई जो एक बार सब्जी उब्जी आती है तो वापस ले जाते हुए तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं घर में मम्मी और सोनजी हम तीनों आए स्वामी दी नहीं आए अभी और अभी मैं बनाऊंगी थोड़ी सी मैगी क्योंकि मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है बहुत दिनों से तो आज सोचा मैं फाइनली बना ही लेती हूँ मैगी और इन्होंने अपने लिए क्या मंगवाया ये जैकेट ऑर्डर क्या मंगवाया है अच्छा मेरे से बगैर बताए आपने जैकेट मंगवा ली जैकेट ऑर्डर करी मेरे से बगैर बताए ये वाली जैकेट मंगवाई है कैसी लग रही है ढीली नहीं है या ठीक है उड़ी भी है ठीक लग रही है सही तेरे लिए ना मंगवाई तन तेरे लग गया है चल मना तो यू पता भी ना था आप जैकेट मंगवाओ हो मैगी का तो 2 मिनट का काम होता है इतना टाइम लगा दिया कपड़े भी चेंज कराए मतलब बीच में तो फिर मैंने पहले सब्जी थोड़ी सी सब्जी डाल दी थी अच्छा और ज्यादा मैगी मैगी दिक्कत ना दे और आ गई है मैगी मम्मी कर रही है ताई से बातें यहाँ पे कंबल उड़ गए ज्यादा हो रही तो अच्छा भाई ठंड तो बच रहो जिस जिसने बचना हो अपना गुजरा बड़े बड़े सारे व्लॉग देखे जाओ और किन में ना करो व्लॉग देखे जाओ मैगी खाने के बाद मम्मी ताई का फोन कर दिया किसी और के पास कॉल करेंगे मम्मी और मैं खाते ही और अपना आराम से लेट गई क्योंकि मेरे पास ज्यादा देर बैठा नहीं जाता मेरी कमर में दर्द हो जाता है और अभी तो मैं जिम करके आ गया था दीदी के पास और आज ये बना रहे थे रेसिपी तो वो आपने देखना पड़ेगा हमारे देसी मॉडर्न देसी तड़का पे तो मिलेगी तो अभी जा रहे हैं सारे वहीं पे मिलते हैं मैं आ गया हम घर पे मैं चला गया था वहाँ पे और अभी सीन चेंज हो गई स्वामी देवी जी भी वही आ रहे हैं और ये बना रही है आटा और पापा भी आ गए आ गया हाँ आ गया और अभी आ गया है खाने का टाइम दीदिया भी हम जी आ गए हैं तो एक बार खाना खा लेते हैं मिलते हैं आप लोगों से मम्मी और ने खाना खा लिया स्वामी जी ने भी खा लिया ये सारे आप अपने फोन में घुस रहे हैं क्या जा रही है मम्मी अरे मैं इब रोटी खाऊं मेरी सुबह वाली पालक की सब्जी पनीर मैंने पनीर पसंद इसलिए मैं मटर लेके आई हूँ दूध रोटी और अभी स्वामी जी जा रहे हैं ये इनको छोड़ के आएंगे मम्मी की सोने की तैयारी मम्मी आ आ आ मम्मी आ आ पेट तो कौन है कम होया आपका।